दलितों को लेकर, ओबीसी को लेकर, आदिवासियों को लेकर भी हमारे देश में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता रहता है। कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री ने आदिवासी, दलितों और ओबीसी के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था ये राजीव जी ने। एससी, एसटी, ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है? 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है? 2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था, फिर 2014 में दलित बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस शर्मनाक घटना को याद करके ही रूह कांप जाती है। तब हमने ये भी दिखाया था कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी और इनका दिल्ली का शाही परिवार सबके सबके मुंह पर ताले लग गए थे। इसलिए कांग्रेस से यहां के दलित समाज को बहुत सचेत रहने की जरूरत है।